गुड इवनिंग। अभी मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है और टुडे इज 16th ऑफ मार्च। यस, माइक तो मैं लगा लेती हूँ लेकिन इरिटेशन उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। शब्द आते रहते हैं कि ये सीधा कैसे रहेगा, सीधा नहीं है एंड ऑल, और बार बार फिर मेरा हाथ और ध्यान अनजाने में ही सही लेकिन वहीं जाते रहते हैं। और वीडियो में बार बार ऐसा आता है कि मैं माइक ठीक कर रही हूँ। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फ्लॉ ऑफ आई मीन इट डजन लुक्स इन गुड इन वीडियो, सो दैट इज़ अ फ्लॉ। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे ही मुझे लगता है ना कि फ्लॉ है तो मैं उसको इमिजिएटली रेक्टिफाई करती हूँ, अपने पर वर्कआउट करती हूँ, इन सब बातों का नोट करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मुझे और कैसे बिहेव करना है, कुछ हरकतें जो वीडियो में अच्छी नहीं दिखती हैं वो नहीं करना है, बिकॉज़ इट विल गो टू अ प्लेटफॉर्म वेयर वी मे गेट मेजर पब्लिक व्यूज़। सो आई थिंक ऑफ इट और आई वर्क ऑन दोज नोट्स, आई चेक माई वीडियोज़ दैट हरकतें जो है, बॉडी लैंग्वेज एंड बॉडी मूवमेंट ड्यूरिंग माई वीडियोज़, हाउ मच आई शुड टेक केयर ऑफ, एंड समथिंग हैपन्स सबकॉन्शियसली नॉट इंटेंशनल, उस पर भी वर्कआउट करना है कि ये कब होता है, क्यों हो रहा है, क्या इरिटेशन है जिस वजह से ये बातें हो रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल माइक का बता दिया, तो नहीं चाहते हुए भी हाथ माइक कहते हैं वहीं चला जाता है और आई गेट ट्रिगर्ड दैट शायद आवाज़ नहीं जा रहा होगा तो मेरे वीडियो में माइक क्योंकि टेढ़ा हो जाता है। सो दिस आर द पॉइंट्स विच समवेयर वी कैच इट एंड इट मेक्स अ हैबिट इनसाइड अस एंड इट मे नॉट अपियर गुड बिकॉज द टेंडेंसी इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। कुछ हरकतें, कुछ मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट लगातार वही चीज़ करते रहना, या जैसे हम बार बार कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना इन पब्लिक, वैन इन पर्सन, वैन एट होम, जो हम कर रहे हैं रिपीटेडली उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। या हम घर में इतने फ्री होते हैं ये कह सकते हैं, हमें दूसरे काम होते हैं कि हम वो हरकतें जो हमारे बिहेवियर के अंदर हैं वो नहीं करते हैं। लेकिन वेन वी आर कॉन्शियस वी हैव सर्टन हैबिट एंड विदाउट अ मिरर और विदाउट आर ओन वीडियो, इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग वी वोंट नो हाउ वी आर लुकिंग। सो आई थिंक द मेजर वीडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स, वॉट दे डू वेन एवर दे आर ब्रॉडकास्टिंग यू, दे आर फिल्मिंग यू, दे आर स्क्रीनिंग यू ऑन लाइव चैनल, रिकॉर्डिंग यू ऑन पब्लिक टीवी विच मे अल्सो गेट पब्लिश्ड इंटरनेशनली। सो माई पॉइंट इज एनलार्ज्ड, वाई? बिकॉज कीपिंग सो मच इन माइंड वॉट दे डू, इट्स सिंपली दैट हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू सीम लाइक इन फ्रंट ऑफ आ कैमरा यू ऑल्सो सी। सो वॉट दे डू, दे कीप अ मॉनिटर, अ स्क्रीन टूवर्ड्स द पर्सन इट्स सेल्फ हु इज स्पीकिंग ऑन द वीडियो। ही मे बी एंकर, ही मे बी द पर्सन हु इज अटेंडिंग देयर इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ कैमरा फर्स्ट टाइम। सो दिस मेक अस कॉन्शियस एंड सेल्फ अवेयर दैट हाउ वी आर सपोज टू बिहेव इन फ्रंट, सो दैट माई सर्टन एक्शन डजेंट पोर्ट्रेट दैट आई हैव सम फ्लॉ इन मी। यू नो सब पर्सन विल कैच
more about the action I am doing rather than what the words and what my emotions, my feel, who I am as a person won't matter. But if I am doing something which I am not supposed to do or which is like, you know, not part of our etiquette, you know, public profile, for example, the influencers, they have to think so much about themselves, how they carry themselves in front of public, how they portray themselves in front of public. So these are the consciousness they have to keep in mind, though it may be set so much that they have gained the ability to think all this point subconsciously also. This is how when we see them, we see them so much, we observe them, how they speak so flawlessly and without any error. What error I'm talking about? Not in words, no error. Not in speech, no error. Not in the language, not in the body language, not in the command, nothing. Flawless, fearless. This is what we see in our influencers. They call themselves as influencer. So again, I am back to the mic. तो इतना कॉन्शियस सब रहते हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि अभी वो वैसा माहौल चल रहा है कि आपके ऊपर उतना फोर्स है कि आपको वैसा रहना है और आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक डिमांड है, हमें दूसरों को इन्फ्लुएंसर बनना है. लेकिन ये गिव एंड टेक रिलेशन है. टिल यू शो, अरे मैं स्टार हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझे भी आपके जैसे ही कोई एक फीलिंग है, मुझे भी कुछ पसंद है, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे भी इच होता है, मुझे भी फील होता है. आई एम इन द पब्लिक, व्हाट आई एम पोर्ट्रेटिंग इज इन द बैक ऑफ द हेड बिकॉज दैट आई हैड टू सेट इट, बट आई एम नॉट दैट पर्सन रियली. व्हाट आई एम पोर्ट्रेटिंग टू यू, I want people to get influenced by me, and these things are making me pressurized to show always that I don't have any flaw. लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि बहुत सारे celebrities अभी जो है, they show their true self also. मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर हम शॉर्ट टेम्पर हैं तो हमें दिखाना है कि हम शॉर्ट टेम्पर हैं. कुछ चीज़ें जो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी हमारे खुद के लिए और जो हम शायद नहीं हैं, वो सिचुएशन वैसा था कि हम कहीं से आए, हमारा पूरा दिन वैसा था, हम उस दिन गुस्सा कर लिए, लेकिन हम वैसे नहीं हैं. बट उतना सा ही हिंट कॉपी हो करके मेरे पूरे समाज में मेरे बारे में ऐसा आ गया कि मैंने ऐसी लड़ाई की है, मुझे ऐसा गुस्सा आता है. जस्ट अ फ्यू मिनट ऑफ क्लिप डैमेजेस माई इमेज आई हैड सेट फॉर सो मैनी ईयर्स. सो फॉर एंगर वी हैव टू थिंक अबाउट इन पब्लिक. इट्स ऑलवेज लाइक कि शो योर ट्रू सेल्फ in such a way. If something is bothering you, even me, if I am bothering you, if the other person is bothering you, how will I speak to the person who is my dear one? The same way I will talk to you as a friend, or immediately patch up. सेलिब्रिटीज़ के पास तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, वो सब ज्ञानी है, सबको अच्छे शब्दों के
ताल बैठाना आता है। और मेरा मकसद ये है कि आपको ये गाइड करना है कि कुछ बातें हम कहते हैं शो योर ट्रू सेल्फ, उसमें सबसे पहले तो गुस्सा ही शब्द आया है, तो हम कहेंगे कि हमने अपना ट्रू साइड दिखाया है, लेकिन वी हैव टू थिंक ऑल्सो अ ट्रू सेल्फ डजेंट मीन्स टू शो योर समथिंग यू आर वीक ऑन, नॉट योर वीकनेस, बट नॉट दैट प्लास्टिक इमेज विच यू आर कैरिंग, द प्लास्टिक स्माइल, द प्लास्टिक दिस और दैट यू आर कैरिंग। इफ यू आर सेइंग नो टू समवन, इट शुड नॉट पोर्ट्रेट दैट यू आर रूड, बट इट शुड मेक दैम फील या दे आर ऑल्सो ह्यूमन यार, आफ्टर यू नो ट्रैवलिंग सो मच, हाउ कैन आई थिंक अबाउट ऑफ गेटिंग देयर सिग्नेचर, देयर ऑटोग्राफ, इट्स ऑफकोर्स वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सेलिब्रिटीज वोंट फाइंड टाइम लेटर टू गिव ऑटोग्राफ, सेकेंड थिंग दैट दे हैव टू कंसिडर दिस दैट ऑन देयर रूट टिल होटल टिल देयर होम विल दे फाइंड द सेम पीपल, योर वन सिग्नेचर विल चेंज समबडीज यू नो इनसाइड हैप्पीनेस, इट मे ब्रिंग करेज टू देम, इट मे चेंज देयर लाइफ फॉर समथिंग, दे विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन टू शो पीपल ओनली योर सिग्नेचर बिकॉज यू आर अ स्टार टूडे एंड एवरीबडी लाइक टू शो अ स्टार टू अदर्स, सी आई हैव अ स्टार इन माई बुक टूडे बिकॉज आई फाउंड हिम ऑन माई वे। सो इफ वी आर सो ह्यूमन एंड डाउन टू अर्थ दैट नो मैटर वॉट हाउ मच आई एम टायर्ड आई विल ऑलवेज गिव ऑटोग्राफ बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग मी ओनली, दैट इज शोइंग मी ओनली, दैट इज शोइंग माई ट्रू सेल्फ, बिकॉज दिस सिग्नेचर विच took so many years, I found a right signature today to sign on a book and give it to you. Someday you will be a star also and you can show me this that sir, today I am because of your signature. If you can in between fill the gaps, if there is some shortfall of words, but the emotion is very high. On the other hand, if you are not that strengthy person, if you had bad hair day and your testing time was the same day, you had major people to give autograph, is there any other way that you can manage your dignity but their love also? So a star is always a great thinker and he will always be called as a person who has heart. Even if he is, no matter what, gone through so many problems, so many issues, had so much in mind, so weight, heaviness in the mind, but your sign is creating your own future. Now you are doing something for your work. Now you are star because of your work. But your own sign is not your work. Is your creation. This creation has gone
and reach to the other person in his hand, and someday it will come back as love when you are down. Someday it will come back, which will give you strength and a hope to rise again when you have fallen. Don't take your signature so lightly. You have worked so hard to be a star. Your sign shows everything. Inside your sign, it's a sign from God. A great sign, a great symbol for you, that your sign will go in other hand and come back to you with good returns for you in future when you are down, depressed, stressed. You will be just one message away from those people, and they will be just in front of you to give you so many positivity when you are losing your hope, when you are stressed, when you are depressed. See the love. So with this, I think I have had enough in this video, and I stop this video on a good sign. In between when I was speaking about sign, signature, you know, I always thought how good my signature should be. Till now I won't say. I mean, 2 years back, till I didn't knew how to sign my own signature, I always found, you know, you can see how much I am lacking in words. When I always felt whatever signature I am thinking about, I am not creative. My own signature, there is some कमी लगती थी मुझे हमेशा. मैंने बहुत सारे सिग्नेचर, मतलब उस समय की बात कर रही हूँ, उस समय से ट्राई कर रही थी जब हमें इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं थी. हमेशा बहुत ट्राई किया कि मुझे भी कोई ऐसा अच्छा सिग्नेचर चाहिए, यूनिक सिग्नेचर चाहिए. किसी के देख कर मैंने सोचा ऐसा, सेलिब्रिटीज़ को देख कर सोचा, स्पोर्ट्स पर्सन को देख के, सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर को देखा, इतना बड़ा सिग्नेचर, तो मैं मंजू सिंह करके साइन करती थी. बट समवेयर आई वॉन्टेड लाइक ओनली माई नेम, बिकॉज मंजू सिंह मे बी आई एम नॉट एबल टू कैरी और होल्ड, बिकॉज आई सेड दैट वट एवर साइन आई थॉट ऑफ, आई वॉज नॉट हैप्पी एंड कंटेंटेड जस्ट बिकॉज आई हैड फ्यू थिंकिंग that I am not capable enough. But now the sign which I think about, the last signature I had done, I am blessed to say that signature is been totally given by God himself. So somewhere, if we are feeling that miracles are not happening and we are away from the right path, we are in the darkness, but you are wrong, you may be wrong. There are always messages being given by God himself, all the positive notes which you can carry with you. Let it be your own picture yourself. The happiness behind it, that is the sign. So if you need instant energy, like how a can of that instant energy
इट गिव्स ना, आई हैव दैट वर्ड बैक ऑफ माई हेड, बुल का वो जाता है ना, उसको कुछ दूसरे वर्ड्स में भी कहते हैं पर मैंने डायरेक्ट नाम ही ले लिया है बुल का, जो है विंग्स, विथ विंग्स वाला जो ऐड आता है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगती तो ओरिजिनल टॉपिक का वर्ड मेरा चला जाता है। तो ये कहना है कि हर बात में एक साइन है, एंड वन डे व्हेन यू आर स्टार यू लर्न टू साइन, एंड दिस साइन एंड दोज साइंस एंड गॉड साइंस एंड हिज साइंस एंड सिंबल्स विच केम टू यू, नाउ यू आर स्टार टूडे। वी थैंक एवरीबडी बट इन द रन यू मे नेवर नो हाउ मच एफर्ट गॉड हैज़ मेड टू गेट लक इन साइड यू, अ होप इन साइड यू, हाउ मच ही रैन। ओह आई थिंक आई पॉज द वीडियो एंड इट इज स्टिल। हाउ मच एफर्ट्स गॉड मैनुअली मेड इन साइड यू सो दैट यू गेट ऑल द राइट्स यू गेट ऑल द लग्जरीज ऑल द ब्रेथ यू आर टेकिंग, हाउ मच इज स्ट्रगलिंग टू कीप यू अलाइव, मी ऑल्सो। आई हैव सीन लॉर्ड रिलेइंग, सो आई टेक अ नोट ऑफ इट। इट्स बेटर दैट नथिंग हैपन्स टू माई फोन, बिकॉज गरीब लोग मतलब एक फोन 2-3 साल तो चलना चाहिए ना। विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली टॉक मोर अबाउट गुड थॉट्स। आज तो ऑटोग्राफ के बारे में था, दैट इज साइन सिग्नेचर, देन कम द साइन विच वी अंडरस्टैंड विच इज़ द सिग्नल काइंड ऑफ एंड द सिम्बल्स बिहाइंड इट एंड ऑल द साइंस बिहाइंड इट। इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इट मे बी बायोलॉजी, इट मे बी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर कमिंग राइट फ्रॉम द स्काई एंड फ्रॉम इनसाइड अस, द ब्लेसिंग विच वी गेट डेली फ्रॉम सन, इट कम्स फ्रॉम द स्काई, द ब्लेसिंग विच वी गेट फ्रॉम द मून, इट कम्स फ्रॉम द स्काई, द स्टार्स विच वी सी इन द स्काई ऑलवेज गिव्स अस स्ट्रेंथ होप फॉर द नेक्स्ट डे एंड वी वुड ऑलवेज लाइक टू सी देम टू गिव अस होप दैट दे विल कम नेक्स्ट डे एंड वी वॉन्ट टू सी देम नेक्स्ट डे होपिंग टू हैव अ ग्रेट लाइफ एंड लेट्स सी वॉट फ्यूचर विल ब्रिंग मोर अबाउट ऑल द स्टार्स ऑल द प्लैनेट्स एंड द पीपल ऑल ऑफ अस बिटवीन अस विथ अस एंड हाउ मच होप वी कैन क्रिएट टू ऑल द लिविंग बींग्स दैट थिंग्स विल चेंज फॉर द बेटरमेंट इन बेटर वे। विद दिस एंड दिस वीडियो, थैंक यू।